अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में विजन टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गुलाब बलोच और मेरे साथ मौजूद हैं उनसा क्यानी। और आज हम जिस टॉपिक पे यहाँ पे मौजूद जाके लोगों से उनकी ओपिनियन लेंगे वो ये है कि इमरान खान, जिनको उनके नाकदीन तब्दीली खान भी कहते हैं, क्या गवर्नमेंट में आने के बाद वो कोई तब्दीली लाए हैं या सिर्फ गवर्नमेंट में जब नहीं थे उससे पहले वो सिर्फ बातें ही करते थे। आइए यहाँ पे मौजूद जानते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जावेद अख्तर जी। अच्छा जावेद अख्तर, मुझे बताएँ कि क्या तब्दीली आ गई है? नहीं, फिलहाल तो हमें तो कोई नज़र नहीं आई तब्दीली जी। दावे तो बहुत किए गए थे इमरान खान की तरफ से, तो कोई तब्दीली नहीं आपको देखने में? फिलहाल कोई तब्दीली देखने में, लोग बल्कि परेशान ही। और वे भी तब्दीली है कि पहले से हालात बदतरीन हो गए? तब्दीली है ना, तब्दीली ये है। हाँ, ये तब्दीली कह सकते हैं कि हालात बदतरीन हो गए हैं। तब्दीली तो हाँ तब्दीली यही तब्दीली आई है, लेकिन तब्दीली लोगों का हक में बेहतर तब्दीली नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? फेरोज शाह। फेरोज शाह, आपसे ये सवाल है कि इमरान खान ने इलेक्शन से पहले जो तब्दीली का वादा किया था, क्या वो तब्दीली आ गई है? जी, तब्दीली तो थोड़ा बहुत आई है और आ जाएगा तब्दीली, तो 7 महीने में तब्दीली नहीं आ सकते। जब पूरा पाकिस्तान 30 साल 35 साल में तब्दील नहीं होगा तो 7 महीने में कैसे तब्दील हो जाएगा? तब्दीली आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल लगेगा। तब्दीली इसके साथ नहीं होती। जब ये लोग बोलते हैं प्याज महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, इस चीज़ पर आप वोट नहीं दे हुए। जब प्याज सस्ता कर दो, टमाटर सस्ता करो, सब्जी सस्ता कर दो, ये सस्ता महंगा होना चाहिए कोई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बनना चाहिए, पाकिस्तान बनाना चाहिए और ये जल्दी नहीं बनेगा। ये बनेगा, टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल लगेगा। ये लोगों ने 35 साल 40 साल काए हुए पाकिस्तान, ये कैसा 7 महीने में बन सकते हैं? जब ये लोग आवाज़ें लगाए पाकिस्तान ये तब्दीली नहीं लाया, और तब्दीली कैसा लाएगा? तब्दीली आएगा लेकिन कोई ना कोई टाइम लगेगा कि तब्दीली को वक्त लगेगा, कि फिल वक्त इतनी जल्दी जो वादे किए थे कि वो पूरे नहीं होंगे। जी जी, इतना जल्दी तो नहीं पूरे हो सकते। 7 महीने में तो अपना घर भी कोई नहीं बना सकते, तो पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान कैसा बन जाएगा? जी, 7 महीने में पूरा एक आप बंदक ख़राब घर के लिए चले जाएगा तो वो भी नहीं बन सकते, तो मुल्क कैसा बनाने पड़ेगा? टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल लगेगा, टाइम लगेगा तो पाकिस्तान बनेगा, इस तरह जल्दी नहीं बनेगा। और फिर इंशाल्लाह तब्दीली आएगा, तब्दीली ज़रूर लेके आएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? वलीद। अच्छा वलीद, मुझे बताएँ कि इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट में आने से पहले बहुत दावे किए थे कि वो तब्दीली ले आएँगे, तो अब वो गवर्नमेंट में आ गए तो आपको क्या लगता है वो कोई तब्दीली ले आए या हालात वैसे ही हैं? मेरे ख्याल में खान साहब को तो शायद ये पता नहीं था कि गवर्नमेंट में आने से पहले या बाद में क्या फ़र्क होता है, लेकिन अभी उनको पता चल गया होगा। तो मौजूदा हालात में तो नज़र आ रहा है, मार्केट में आप आएँ, यहाँ पे जांच कर लें, देख लें, महंगाई इस कदर हो गई है कि गरीब की पहुँच से बाहर। बाकी वाकई तब्दीली आ गई, मतलब तब्दीली तो आ गई, तब्दीली आ गई, महंगाई में तब्दीली आ गई। आपका नाम? मोहम्मद यासिन। और मोहम्मद यासिर। और आपका? अकरम हुसैन। अकरम हुसैन जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि इमरान खान ने इलेक्शन से पहले जो तब्दीली का वादा किया था, क्या वो तब्दीली आ गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 60% तब्दीली आया है और इंशाल्लाह हम इसी गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये तब्दीली आएंगे और इंशाल्लाह जो जो मुल्क को लुटा है जिसने, इंशाल्लाह उन सबको कटहरे में ला के और इमरान खान साहब इस मुल्क की तकदीर चेंज करेंगे इंशाल्लाह। क्या आप 60% पर उम्मीद हैं कि 60% तब्दीली आ गई है? अब तक 60% आया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट 4th ईयर में 40% भी आएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। और आप क्या कह रहे हैं? सर, पिछले हुकूमत में, उन्हीं की हुकूमत में बहुत करप्शन था, हम सबको तो पता है कितने करप्शन किया, फिर उसको जेल में किया, फिर भी हम कहते हैं वो ठीक है, वो गवर्नमेंट ठीक है, इमरान खान साहब ने अब ठीक काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे हम आने वाले दौर में इंशाल्लाह तब्दील आएगा इंशाल्लाह। मतलब आप पर उम्मीद है इमरान खान तब्दीली ला के रहेंगे? जी शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वाल सलाम जी। आपका नाम? जावेद इकबाल। अच्छा जावेद इकबाल साहब, मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने गवर्नमेंट में आने से पहले बहुत ज़्यादा दावे किए थे कोई तब्दीली ले आएंगे, तो आपको क्या लगता है क्या वाकई तब्दीली आ गई है? ये आप समझें कि एक सिस्टम चेंज किया जा रहा है तो वो तब्दीली आएगी। अब महंगाई की जो तब्दीली आई है ये हर बंदे की पहुंच से दूर है, कोई बंदा भी खुशहाल नज़र नहीं आ रहा, हर बंदे के चेहरे पे अफसरदगी है, हर बंदा परेशान है, ख़ास तौर पे पढ़ा लिखा जो जवान है वो परेशान है, उसके लिए रोज़गार नहीं है, ये एक ख़तरनाक है। बाकी तब्दीली आनी चाहिए, तब्दीली का जो विजन था उसे लाएँ। तब्दीली आ तो गई है, जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, तो ये तो तब्दीली ही है ना कि एक गुरबत से एक चीज़ 10 रुपए की थी आज 100 रुपए की मिल रही है, ये भी एक तब्दीली है। तो तब्दीली का दावा क्या था, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तब्दीली तो आ गई है। हर बार लोग तब्दीली चाहते हैं, अब लोगों की ख्वाहिश थी, आगे अल्लाह करे ये तब्दीली लाएं, ख्वाहिश है,
ये मेरी नहीं है। आपको लगता है कि तब्दीली अच्छी मतलब एक पॉजिटिव सेंस में आएगी, हालात बेहतर होंगे? पॉजिटिव सोच रहे हैं जी, हम सोच रहे हैं कि पॉजिटिव आएगी, जो नज़र आ रहा है पॉजिटिव आएगी। अब तक जो आई है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अगर ना आई तो ये खुद तब्दील हो जाएंगे, ये भी तो होगा ना फिर, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। वैसे अब तक जो तब्दीली आ गई है, इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, हर गरीब इंसान तो वैसे ही परेशान होता है, एक आम आदमी जो कि मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है वो भी परेशान है, तो फिर इसमें आप क्या देखते हैं? आज नहीं है, हर दौर में परेशान रहा है, लेकिन अल्लाह करे कि हमारा मुल्क बचा रहे, हमारी जनरेशन बची रहे। कोशिश करें, तब्दीली ला रहे हैं तो लाएँ, हम खुश हैं, मुस्तकबिल हमारा तब्दील हो, हम खुश हैं, इसमें कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। आपका शुक्रिया। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नसीर अहमद। नसीर अहमद, आपसे ये सवाल है कि इमरान खान ने जो इलेक्शन से आने से पहले तब्दीली के नारे लगाए थे और वादे किए थे, क्या वो तब्दीली आ गई है? नहीं आई है तब्दीली, बल्कि महंगाई हुई है, आवाम और महंगाई में पिस गई है, क्योंकि हम तरह तरह महंगाई के शिकार हो गए, मतलब और कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, हम ये तो जो पहले हमारा कारोबार था अब नहीं है, अब तो हम बड़े परेशान हैं। ये बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, ये इतने मुल्क के ऊपर मतलब इतना उन्होंने कर्जा ले लिया, ये मुल्क के ऊपर कितना बोझ डाल दिया है। और जो ये रिलीफ दे रहे हैं आप, तरक्याती पैकेज जो रिलीफ दे रहे हैं, उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं? पीटीआई की क्या रिलीफ मिली है, क्या हमें कुछ भी नहीं मिला, अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जो पिछली हुकूमतों ने जो काम किए थे वह अभी काम उन्होंने उनके इफ्तिताह किया, अभी जो मतलब उन्होंने सिंध में जो बिजली का इफ्तिताह किया वो पिछली हुकूमत के थे, नवाज शरीफ के दौर में के थे। अब ये लगाएंगे देखें, हाँ नंदीपुर प्रोजेक्ट है, मतलब ये डॉलर कहाँ पहुँच गया है, हमारे ऊपर मुल्क के ऊपर कर्जे का बोझ कितना बढ़ गया है, महंगाई कितनी हो गई है। इस गवर्नमेंट ने कोई नहीं, आप कहते हैं कि कोई काम नहीं किया? नहीं किया अभी तक तो कुछ भी हमें नज़र नहीं है, जब हमें नज़र आया तो ठीक है, लेकिन हमें मतलब हालात और नहीं है कोई मतलब इस किस्म के कोई हालात नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद खान। अच्छा खान साहब, मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले बहुत ज़्यादा दावे किए थे कि वो तब्दीली ले आएंगे, तो क्या वो तब्दीली आ गई है? कुछ तब्दीली नहीं आ गई, सारा नुकसान आ गया बस। नुकसान भी अगर आया तो तब्दीली नहीं आई, ये भी तो तब्दीली है। तब्दीली तो आएगा, खुश होना मतलब सारा नुकसान तब्दीली है बस, अभी नुकसान वाली तब्दीली आई है, नुकसान वाली तब्दीली है बस। आगे आप क्या देखते हैं, अगर इनको थोड़ा टाइम दिया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं? मेरा कुछ बेहतर नहीं, ऐसे और भी जो ना मतलब बिगड़ जाएगा। अच्छा मतलब यही हुकूमत करते रहे तो हालात और ख़राब हो जाएंगे? ख़राब हो जाएगी जी बस। सही है, ठीक है, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फजल रहमान। फजल रहमान, आप ये बताएं कि इमरान खान ने इलेक्शन से पहले जो तब्दीली के नारे लगाए थे और वादे किए थे, क्या वो तब्दीली आ गई है? सर अभी एकदम तो नहीं आएगी, उसको टाइम लगेगा और हमें भी उसी तरह टाइम चाहिए, और इंशाल्लाह आएगी, एकदम नहीं आएगी। 6 अरब रुपया डेली का गर्दिशी कर्जे का सूद है, वो हमें क्लेम में मिला हुआ है साथ, वो भी पे कर रहे हैं तो। और ख़जाने आपने माशाल्लाह जाके पूछ सकते हैं कि जो ख़जानों का हाल था तो उसमें एकदम तब्दीली, वो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं उसके पास, इंशाल्लाह आएगी 17 तारीख को, ये कल इंशाल्लाह वो मकानों का जो उसने कहा था 50 लाख मकान जो देने हैं गरीबों, 6 के 7 सेक्टर में इस्लामाबाद में ओपनिंग हो रही है कल 17 को। चलिए अभी कल आएगी, देखेंगे, अभी तक फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि इन पे इम्प्लीमेंटेशन हो या ना हो। जी हाँ, बहरहाल ये है कि उम्मीद जो है बहुत बड़ी चीज़ है, वाबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो आप भी रखें और मैं भी रखूँगा। और अब पूरी उम्मीद है कि तब्दीली आएगी सही, मगर वक्त लगेगा। चोरों से बचें, जो इतना बड़ा चोरी हो रही है वो आप नहीं देख रहे हैं, टीटियाँ आ रही हैं बेनामी, एक आदमी कभी कराची नहीं गया है वो इंग्लैंड से टीटी भेज रहा है, तो इवाम को कितना फुद्दू बनाओगे यार। जी नाज़रीन, तब्दीली तो आ गई है लेकिन कैसे, यहाँ पे मौजूद जितने भी लोगों से हमारी बात हुई उन्होंने इस तब्दीली के हवाले से हमें अपनी आरा से आगाह किया है। और इसी के साथ अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए विजन टीवी। अल्लाह हाफिज़।